अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक और ऑनलाइन ऑर्डर मैंने किया है आज काफ़ी अरसे बाद, और ऑर्डर मैंने किया है स्विजमिस की लिपस्टिक्स, और इसको मैं अनबॉक्स आधा कर चुकी हूँ, पूरा नहीं किया मैंने, तो बाकी का मैंने सोचा कि मैं आपके साथ करूँगी। टी रेक्स एक कोरियर कंपनी है, उन्होंने ये पार्सल मेरा डिलीवर किया है, और इस बॉक्स में बड़े अच्छे से रैप हुआ है, इसीलिए इसको मैंने फिर खोला नहीं था। एक और मैं आपके साथ ही इसको अनबॉक्स करूँ ताकि आप लोग देख सकें इसको। और इसके साथ ही इस बॉक्स में ये चार नंबर्स भी हैं, सिंस मैंने ये देखिए ये चार, क्योंकि मैंने लिपस्टिक्स ऑर्डर की हैं तो उनके शेड और उनके नंबर्स इस पर हैं। ये काफ़ी अच्छे से बबल रैप में बंद किया हुआ है, इसको हम कट कर लेते हैं कैंची से क्योंकि हाथ से तो इतने आराम से नहीं खुलेगा। और स्विजमिस की लिपस्टिक्स मैं पहली दफ़ा ट्राई करने जा रही हूँ, लेकिन ये काफ़ी पुराना ब्रांड है, जैसे मेडोरा हो गया या स्विजमिस हो गया, हमारी अम्मियों के टाइम पे यही आई थिंक सबसे ज़्यादा ये लिपस्टिक यूज़ की जाती थी उस वक्त। और अभी स्विजमिस की जो वेबसाइट है उस पर उसका एक ऐड इंस्टाग्राम पे मैंने देखा, और उस ऐड में ये था कि आप 3 लिपस्टिक्स खरीदेंगे तो चौथी जो है वो आपको फ्री पड़ेगी। वैसे ये लिपस्टिक की प्राइजेस भी इनके काफ़ी मुनासिब हैं, 180 की एक लिपस्टिक है ये, और मैंने 4 इसको मंगाई है, तो कोरियर जो शिपिंग चार्जेस हैं उसके साथ वो असल में बस महंगा पड़ गया, वरना वो वही कॉस्ट पड़ गई वैसे तो मुझे। ये देखें जी, ये 4 लिपस्टिक्स हैं जो मैंने ऑर्डर की हैं, इनके नंबर्स मैं आपको अलग अलग दिखा देती हूँ। ये नंबर है M271, ट्रू पिंक के नाम से है ये। दूसरी जो मैंने ऑर्डर की है वो आर्टिकल नंबर इसका डिफरेंट लिखा हुआ है, 8526 के नाम से है, 62 के नाम से है। और ये M263 है, जिसका शेड का जो नाम है वो है प्रिटी पिंक, इन सबको भी खोलते भी हैं। और जो लास्ट है, जो फोर्थ है, ये है M228, और इसका जो नाम है इट इज़ फ्लेमिंगो पिंक। तो सीन ये है कि ये स्विजमिस की वेबसाइट पे एक ऑफ़र थी जिसमें 4 अगर आप लिपस्टिक एक साथ करेंगे तो उसमें से आपको 3 के पैसे देने हैं और एक आपको फ्री पड़ेगी, तो मैंने 4 ही ऑर्डर की। वैसे तो इसका प्राइस 180 है, और 180 के हिसाब से मुझे 3 के वैसे पैसे देने पड़े, लेकिन क्योंकि शिपिंग चार्जेस भी इसमें ऐड हो गए थे तो ये 4 लिपस्टिक जो हैं वो कैश ऑन डिलीवरी मैंने 790 रुपीज़, तकरीबन 800 रुपये दिए थे मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली 10 रुपीज़ चेंज नहीं होता है, तो 800 उसके मैंने दिए थे, और ये मुझे 800 में 4 लिपस्टिक पड़ी हैं, विच इज़ नॉट बैड शिपिंग चार्जेस मिला के। तो सबसे पहले हम ये जो हमारे पास शेड मेरे पास है प्रिटी पिंक, ये हम खोल लेते हैं। और प्रिटी पिंक M263 ये खोल के मैं आपको इसका शेड, लिपस्टिक की क्वालिटी वगैरह तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, देखें अगर आप भी तो, मतलब इट्स गुड। ये जनाब शेड है प्रिटी पिंक, और अगर आप इसको स्क्रैच करके देखें तो कुछ इस तरह से बहुत सॉफ्ट सा लाइट बेबी पिंक टाइप का शेड है ये, जो कि प्रिटी पिंक के नाम से है। ठीक है जनाब, आप दूसरा शेड खोल लेते हैं जो है फ्लेमिंगो पिंक, नंबर इसका है 228, और इसको भी खोल के इसका शेड चेक करते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से है, डीप पिंक टाइप का बड़ा खूबसूरत सा कलर है, ये भी मैं आपको इसके स्क्रैच करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा पहले वाले से डार्क है, नाइस खूबसूरत सा शेड है ये भी। तीसरा शेड हम खोल लेते हैं, ये ट्रू पिंक के नाम से है, 271। इसको भी स्क्रैच करते हैं, पिंक ही का शेड है ये भी। सारे मैंने पिंक के शेड्स ही मंगवाए हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखिए इसका शेड कुछ इस तरह से है, ये भी प्यारा शेड है, अच्छा है, बट मुझे फ्लेमिंगो वाला जो ये सेकंड शेड है ये मुझे प्यारा अभी तक ज़्यादा लग रहा है। सो इसकी बड़ी अच्छी सी फ्रेगनेंस भी आ रही है, खुशबू बड़ी अच्छी है इसकी। और जनाब ये लास्ट वन जो हमारे पास है ये खोलते हैं, इसका नंबर नाम नहीं लिखा हुआ इसमें, अंदर है ये देखें, 513 इसका नंबर है, M513 नंबर है इसका, मैट कलेक्शन है स्विजमिस की। और इसको भी चेक करते हैं, ये देखें ये थोड़ा सा डार्क कलर है, और इसको अगर हम स्क्रैच करें तो ये चेक करें, नॉट बैड हाँ, तो मुझे तो ये अच्छे लग रहे हैं।
अब मैं इसको 2-4 दिन यूज़ करती हूँ और फिर मैं आपको इसका स्टे करने का और इसके लुक का जो रिव्यू है वो फिर मैं इसी वीडियो में साथ ही ऐड करूँगी, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये कैसा यूज़ में कैसा है वैसे देखने में और फ्रेगनेंस वाइज तो ये अच्छे लग रहे हैं कलर्स। तो मैं आपको इसका यूज़ के बाद भी रिव्यू देती हूँ। सो ये है वेबसाइट जिस पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं सारे शेड्स हैं और ये सब 180 इनके प्राइजेस हैं। और इनकी भी ऑफ़र ये आई हुई है कि अगर आप 4 लिपस्टिक लेंगे तो वो आपको 3 का प्राइस पे करना पड़ेगा, बट शिपिंग प्राइस मिला के वो उतना ही हो जाता है। एज़ आई टोल्ड यू कि ये 4 लिपस्टिक मैंने जो मंगाई थी तो वो मुझे 800 की शिपिंग कॉस्ट के साथ पड़ी थी, बट स्टिल इट्स गुड। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहें, शेड का थोड़ा फ़र्क आपको मिलेगा, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें। बाकी अगर आपको कहीं फिज़िकली शॉप पर या मार्ट वगैरह में मिलता है तो आई वुड रिकमेंड कि वो ज़्यादा बेहतर है। ओके सो जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको यूज़ करूँगी इसकी लिपस्टिक्स को, और उसके बाद फिर मैं आपको रिव्यू दूँगी। तो तकरीबन 1 हफ्ते इनको यूज़ किया है मैंने, और नाउ आई कैन गिव यू माई ओपिनियन उसके यूज़ के बाद। इसके मैंने 2 शेड्स जो हैं वो ट्राई किए हैं, एक तो फ्लेमिंगो पिंक जो कि मुझे बहुत आपको पता है पसंद आया था उस वक्त भी जब मैंने इसको अनबॉक्स किया था, ये वाला शेड फ्लेमिंगो पिंक मैंने ट्राई किया है। और दूसरा ये नहीं, दूसरा जो मैंने ट्राई किया है वो ट्रू पिंक है, मतलब ये बिल्कुल लाइट वाला सबसे शेड था ना ये शेड। तो ये दोनों शेड्स मैंने ट्राई किए हैं, और जो मेरी ओपिनियन है उसके बारे में वो ये है कि इनको इन लिपस्टिक्स को लगाने के बाद आपका जो आपको ड्राइनेस नहीं फील होगी, लाइक लिपस्टिक लगाने से जो ड्राई हो जाते हैं वैसा कुछ नहीं होगा, और काफ़ी क्रीमी सा इसका टेक्सचर है दोनों का जो मैंने ट्राई किए हैं। जहाँ तक इनके लॉन्ग लास्टिंग होने की बात है तो वो कोई बहुत अच्छा इसका रिजल्ट नहीं है, लाइक आप ये नहीं कह सकते कि आप काफ़ी सारे घंटे इसको स्टे करेगी ये, लेकिन यहाँ इजी लाइक आप गो टू आपने लगाना है कहीं जाना है क्विकली तो आप वैसे लगा लें, लेकिन अगर आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं शादी पे और आप इसको लॉन्ग लास्टिंग करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको 2-3 कोट्स करके लाइक आप टेलकम पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के होंठों पर, उसके बाद लिपस्टिक लगाएं, फिर एक टिश्यू से इसको टैप करके उसके बाद फिर लिपस्टिक लगाएं, मतलब वो जो एक टिपिकल तरीका है लिपस्टिक्स को लॉन्ग लास्टिंग बनाने का उसके ज़रिए आप इसको लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हैं। बट ओवरऑल इसका जो रिव्यू है वो पॉजिटिव ही है, मुझे ये अच्छी लगी है। और बट ये है कि ऑनलाइन में जो शेड होते हैं वो रियल में थोड़े डिफरेंट आते हैं, क्योंकि मैंने जो शेड्स ऑर्डर किए थे उनके हिसाब से शेड्स फ्लेमिंगो पिंक के अलावा बाकी सब मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइट लगे हैं। तो ज़्यादा रिकमेंडेड ये है कि स्टोर में जाकर लें, बट ये स्विजनेस की लिपस्टिक्स मैंने अभी फ़िलहाल तो कहीं मार्ट्स वगैरह में नहीं देखी हैं, आई डोंट नो उसकी क्या रीज़न है। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है या आप यूज़ कर रहे हैं तो अपने रिव्यूज़ ज़रूर मेरे साथ शेयर करें और मुझे बताएं कि आप इसको कब से यूज़ कर रहे हैं और आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है। मेरा ये फर्स्ट टाइम यूज़ है और थोड़ा सा मैंने इसको यूज़ किया है, बट मुझे ये अच्छी लगी है।